नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ छवि। अब जहां आज बड़ी फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो रही हैं, काफी कुछ बदल गया फिल्म इंडस्ट्री में, तो वहीं पे ओटीटी प्लेटफॉर्म की दुनिया में बस फ्लिक्स खूब धूम मचा दिया है। यहां पे इसके फाउंडर राकेश ठाकुर ने बताया कि हिंदी फिल्मों के साथ साथ हम रीजनल फिल्मों को भी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और वहीं नए कलाकारों को भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म मनोबल बढ़ाएंगे ताकि नए कलाकारों को भी एक बड़ा कलाकार बनने का मौका मिले। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश ठाकुर ने बताया कि बज फ्लिक्स निश्चित ही बड़ी कामयाबी पे है। नमस्कार, मैं राकेश ठाकुर, फाउंडर ऑफ बज फ्लिक्स ओटीटी चैनल। बज फ्लिक्स ओटीटी जो प्लेटफॉर्म है, ये एक ओटीटी प्लेटफॉर्म है। हम लोग इंटरनेशनली इस ओटीटी प्लेटफॉर्म को स्ट्रीमिंग के लिए रेडी कर रहे हैं। इसके अंदर में हमारे जो कंटेंट हो गए, वो कंटेंट एक 5 साल से लेकर एक 80 साल के जो सीनियर सिटीजन होगा, उन लोगों के लिए होगा। कंटेंट में कोई भी एरोटिक नहीं रहेगा, फुल्ली फैमिली ओरिएंटेड हमारा ओटीटी चैनल रहेगा, जिसमें आप रीजनल से लेकर इंटरनेशनली और हर तरीके का एक मज़ा मस्ती देख सकोगे। इसमें कोई भी तरीके से न्यूडिटी, एक वल्गर और कोई भी कंटेंट नहीं होगा। और मैं एक बज फ्लिक्स की खासियत कहना चाहूँगा कि ये हमारा फुल्ली एक फैमिली ओरिएंटेड ओटीटी रहेगा। सर, कोरोना काल से काफ़ी कुछ बदलाव आ गया है, नहीं तो ओटीटी पे लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, तो इस बारे में क्या कहना है, कितनी खुशी हो रही है और कितना ज़रूरी था लोगों के लिए? कोरोना में जो पेंडेमिक सिचुएशन आई थी, तो उस वजह से काफ़ी लोगों ने अपना जो फिल्मी जगत में लोगों ने ओटीटी को अपना पसंद चुना है। ओटीटी का इस वजह से काफ़ी एक बढ़ाव आया है हमारे इंडियन मार्केट में, बोलिए इंटरनेशनली, क्योंकि लोगों ने घर पे बैठकर सिर्फ और सिर्फ वेब सीरीज़ देखा है। सीरियल्स जो होते हैं आज के दौर में, जो सीरियल्स बनते हैं, वो अपने मुताबिक अपने समय से लोग देखना पसंद करते हैं। सो उसके लिए एक ही एक आपके पास ऑप्शंस होता है, वो होता है ओटीटी। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का एक आपको अच्छा एक चीज़ बता सकूँ मैं, कि एक अपने पसंदीदा चैनल पर अपना पसंदीदा शो अपने समय पर देख सकते हैं। एक खासियत है हमारी ओटीटी की। बज फ्लिक्स के अंदर में हम लोग इसी तरीके का मसाला हम सभी लोगों के लिए देना चाहते हैं, ताकि लोग एंटरटेन हो। और मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके बाद कोई पेंडेमिक सिचुएशन आए, लोग घर बैठे, बट स्टिल हम लोग बज फ्लिक्स के माध्यम से काफ़ी अच्छे शोज लेकर आ रहे हैं और इंटरनेशनली शोज लेकर आते हैं। तो क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या कुछ बड़ा धमाका होने वाला है जल्दी लोगों के बीच में? जल्दी हम लोग बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं इंडियन मार्केट के लिए और इंटरनेशनली भी। हम ओवरसीज से लेकर इंडियन जो कंटेंट होगा उसके ऊपर काफ़ी काम कर रहे हैं। लाइक हम लोग अभी 4 से 6 वेब सीरीज हम गो थ्रू हो रहे हैं नेक्स्ट मंथ में। सो आप लोगों के लिए एक काफ़ी बड़ा एक तोहफा लेकर आ रहे हैं बज फ्लिक्स की ओर से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम प्रवर सेन निसामरे है। आई एम सीईओ एंड बिजनेस हेड ऑफ द बज फ्लिक्स। हम लोग का चैनल जो है, ये बेसिकली हम लोग ने ऐसी तरीके से बनाया है कि आउटस्कर्ट्स में जो रॉ मटेरियल, जो रॉ स्टोरीज पड़ी हैं आज, उन तक अभी तक लोग पहुंचे नहीं हैं। और वो जो रॉ आर्टिस्ट हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, जो हालांकि जो न्यू डायरेक्टर्स, न्यू आर्टिस्ट, न्यू कैमरामैन आप बोल सकते हो, डायरेक्टर्स बोल सकते हो, ये अलग अलग जोन में पड़े हुए जो रॉ कलाकार हैं, उनको हम अपनी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और खासियत जो ये है कि हम लोग का जो क्राउड हम लोग देख रहे हैं, हम लोग के जो कंज्यूमर्स हम लोग मार्केट में देख रहे हैं, वो हम लोग T2 और T3 जो रीजन का क्राउड है, उनको हम लोग हिट करेंगे। इसका रीज़न ये है कि आज तक रीजनल सब्जेक्ट को सही मायने से कोई भी OTT चैनल ने हाथ नहीं डाला है। वहाँ पे बज फ्लिक्स पहुँच के वहाँ से नया कंटेंट मार्केट में ला रहा है। तो हमारा रिसर्च और स्टडी ऐसा ही चल रहा है कि नए सब्जेक्ट नई स्टाइल से हम लोगों के सामने लाएँ, जहाँ पर पूरी फैमिली बैठ के अच्छे शोज घर पे देख सकें। राकेश सर, क्या संदेश देना चाहोगे और क्या अपील करना चाहोगे नए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के लिए, नए चेहरे के लिए, नए कलाकार के लिए, कितना जरूरी है
बस फ्लिक्स के माध्यम से मैं एक संदेश देना चाहूँगा एक बॉलीवुड को. देखिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म ये सभी न्यू कमर्स प्रोड्यूसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए हैं, डायरेक्टर्स हो गए हैं, राइटर्स हो गए, जो भी हमारे फिल्मी इंडिया जो भी मीन्स बॉलीवुड में काम करते हैं, छोटे से लेकर बड़े आर्टिस्ट तक, छोटे से लेकर बड़े डायरेक्टर्स तक, हम सभी के लिए प्राधान्य रखे हुए हैं ताकि हमारा ओटीटी के साथ साथ हमारे जितने भी कलाकार हैं जो लोग आज तक बड़े पर्दे पर आ नहीं सके हैं, छोटे सिटीज से लेकर बड़े सिटीज तक सब लोगों ने स्ट्रगल किया, उन लोगों के लिए हम एक बड़ा माध्यम रखेंगे. हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे प्रोड्यूसर्स को जिन्हें काबिलियत के साथ साथ जिन्हें नाम कमाना है, जिनकी बहुत पसंद है इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उन लोगों के लिए उसी हिसाब से हम लोग जितने भी आर्टिस्ट लोग हैं जो यहाँ पर काम करने के लिए एक सपना बनाकर आते हैं मुंबई में, उनके लिए हम लोग काफ़ी एक अच्छा माध्यम रखेंगे ताकि लोग यहाँ से भटके ना और इंटरनेशनली अपना नाम कमा सके, ताकि बस लीग्स का नाम होगा तो उनका भी नाम.